इमोशनल इंटेलिजेंस। आईक्यू तो हम लोग को सब पता है, बट ईक्यू क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस ये क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? चार स्टेप होता है। क्या? पहला तो आप ये समझो कि हाउ आई फील, मतलब मैं जो फील कर रहा हूं वो कैसा फील कर रहा हूँ, क्यों फील कर रहा हूँ, रूट फाइंड आउट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में आप तोड़ फोड़ दो सब कुछ, ठीक है। सोचो कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, बिकॉज जब तक आप ये नहीं सोचोगे तब तक आप गुस्से से बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। इफ यू आर फीलिंग सैड देन फाइंड आउट द रीजन व्हाई यू आर फीलिंग सैड, बिकॉज इफ यू डोंट फाइंड द रीजन बिहाइंड योर मूड देन यू विल नॉट एबल टू रिजॉल्व द इशू, ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका रूट फाइंड आउट करो। तो आप अपने इमोशन को, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इमोशन में बह मत जाओ, आप रूट फाइंड आउट करो कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इमोशन आ रहा है, ऐसा फील आ रहा है तो क्यों आ रहा है मेरे अंदर, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होता है, आपने समझ लिया कि हाँ ये रूट है, इसके कारण मुझे ऐसा फील हो रहा है। जैसे मान लो कि मुझे गुस्सा आ रहा है बिकॉज मेरा फोन खराब हो गया, ठीक है। तो गुस्सा, अगर आप सिर्फ फोकस करोगे क्या कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व होने वाला है नहीं। लेकिन आपने सोचा कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, हाँ क्यों आ रहा है, बिकॉज मेरा फोन खराब हो गया, ठीक है। अब आपको पता चल गया रूट, तो अब क्या होता है कि आप अपने मूड को आप मैनेज कर सकते हो। कैसे? मोबाइल खराब हुआ तो ठीक है, देखते हैं क्या खराबी उसमें हुआ है, ठीक। सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो चलो सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं उसका, या फिर मान लो कि ये प्रॉब्लम हो रहा है तो चलो शॉपसी पे हुआ या फिर कहीं से हुआ, मोबाइल देखते या फिर इसको बेच के नया ले लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि अगर आप सिर्फ मूड के हिसाब से, इमोशन के हिसाब से बहते जाओगे तो कभी उस मूड से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। जैसे पहला क्या होता है, समझो क्या हाउ आई फील, ठीक है, मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं ऐसा क्यों फील हो रहा है। देन मैनेज योर इमोशन, मैनेज, क्योंकि आप अपने इमोशन को मैनेज नहीं करोगे तो सिंपल सा बात है ना, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा दिखा रहे हो फैमिली मेंबर्स के ऊपर, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में, रिलेशन के अंदर, प्रोफेशन के अंदर इफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ स्टाइल के अंदर एक निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। इसलिए अपने इमोशन को समझो, देन उसको मैनेज करो, देन सामने वाले के इमोशंस को समझो, ठीक है। कि सामने वाला गुस्सा है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि सामने वाला गुस्सा है उसने गुस्से में दो बात कह दिया तो आप भी चार बात कह दो, बिकॉज उससे तो फिर रिलेशन खराब हो जाता है ना। इसीलिए आपको ये भी समझना पड़ेगा क्या कि कोई सामने वाला इंसान अगर गुस्सा कर रहा है तो आपको वहां पे रिएक्टिव होके, ये नहीं कि आप भी गुस्सा करना स्टार्ट करो, आप समझो कि वो गुस्सा क्यों कर रहा है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। उसका रीजन फाइंड आउट करके देन फोर्थ स्टेप क्या है, उस रीजन को रिजॉल्व करो और उसके इमोशंस को मैनेज करने में हेल्प करो, ठीक है। ये आपका पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में हेल्प करेगा इमोशनल इंटेलिजेंस। इसलिए इथिक्स का जो पेपर 4 है उसका एक पार्ट है, ठीक। तो एज ए टीचर भी ये सारा क्वालिटी एक टाइप से टीचर के अंदर भी होना चाहिए, बिकॉज टीचर को भी समझना चाहिए क्या कि मैं ऐसा नहीं कि घर में झगड़ा करके आया पत्नी से या पति से और उसका गुस्सा बच्चों पर निकाल रहा है, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो टीचर को समझना चाहिए क्या कि हाँ मेरा, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, चलो मैं अप्स एंड डाउन सभी इंसान के लाइफ में होता है, बट अप एंड डाउन का मतलब ये नहीं कि आप उसका गुस्सा किसी और पर निकालो। एज ए टीचर भी अपना जो अप्स एंड डाउन, आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है, क्यों फील कर रहे हो, खुद को मैनेज करो। आपका आइडियोलॉजी कैसा भी हो, आपका इमोशन कैसा भी हो, लेकिन आप उसको मैनेज करो। उसके बाद बच्चों के उन्हें डील कर रहे हो तो ये समझो कि बच्चों का मेंटेलिटी कैसा होता है उसको समझो, देन उसके अकॉर्डिंग आप उसको समझाओ बच्चों को या उनको ट्रीट करो। ये था इस आर्टिकल के अंदर। तो हमारा जो अगला आर्टिकल है ये रहा हमारा, ठीक है। तो हाल ही फिलहाल में क्या है कि हमें पता है क्या कि टाइम टू टाइम क्या होता है कि बहुत सारा, आज यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू, कल कंटिन्यू करेंगे इसी तरह से। आज ये न्यू इनिशिएटिव था बिकॉज मैंने एक राइटिंग पैड के साथ स्टार्ट किया ये चीज़।